दोस्तों आज की ये वीडियो आप सब जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे पीने के पानी से लेकर खाने की हर एक चीज फैक्ट्री में कैसे बनती है सबको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी नॉलेज में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसीलिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जिस भी मार्केट से मिलने वाले घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वो घी फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों ये सबको पता है कि देसी घी हमारे जिस्म के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन देसी घी महंगा है, इसीलिए लोग देसी घी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और मार्केट से मिलने वाले तरह तरह के सस्ते वनस्पति घी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों ये घी फैक्ट्री में बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। दोस्तों डालडा वनस्पति घी कई तरह के दरख्तों से बनाया जाता है, जैसे कि पाम ट्री या फिर नारियल के दरख्त से भी, लेकिन ज्यादातर डालडा वनस्पति पाम ट्री से हासिल किया जाता है, इसीलिए इस पर पाम ट्री का फोटो भी प्रिंट होता है। दोस्तों घी बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री के बीज का ऑयल निकाला जाता है, फिर इस ऑयल को इन मशीनों में फिल्टर किया जाता है जिससे कि ऑयल के अंदर सारे गंदे अज्जा खत्म हो जाते हैं। फिर इस ऑयल को बहुत बड़ी भट्टी में पकाया जाता है। फिर इस ऑयल के अंदर कलर, फ्लेवर और कई तरह के अलग अलग पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर विटामिन ए और डी डाले जाते हैं जिससे घी का जायका बढ़ता है और घी को एक अच्छा रंग मिलता है, और घी के अंदर डाले गए विटामिन ए और डी हमारे जिस्म को फायदा पहुँचाते हैं। फिर कुछ घंटों तक ऑयल को पकाने के बाद ये घी बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस घी को 25 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसको पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इस तरीके से डालडा वनस्पति घी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और दोस्तों कुछ कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऑयल में मोम को मिला देती हैं और जानवरों की चर्बी को भी, जिससे कंपनीज को काफी मुनाफा होता है। इसलिए किसी भी सस्ती कंपनी का घी ना खरीदिए। मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में नेस्ले जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों फैक्ट्री में नेस्ले जैसे प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत होती है पानी को अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि ग्राउंड वाटर और नदी से पानी को कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद पानी का ओजिनाइजेशन किया जाता है जिससे पानी में मौजूद माइक्रोबैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर पानी को सैंड और कार्बन फिल्टराइजेशन के स्टेप से गुजारा जाता है जिससे पानी के अंदर से रेत और धूल के जर्रात निकल जाते हैं। फिर पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेज से गुजारा जाता है। यहाँ पानी के अंदर से नमक और मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। फिर पानी को मिनरलाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में पानी के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स डाले जाते हैं जिससे पानी काफी ज्यादा हेल्दी बन जाता है। इसके बाद पानी को छोटे छोटी और बड़ी बड़ी बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है और फिर नेस्ले जैसे मशहूर ब्रांड को मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। और दोस्तों आखिर में है कोकोनट ऑयल फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों कोकोनट ऑयल कुछ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग इस कोकोनट ऑयल को अपने सर के बालों पर लगाते हैं। दोस्तों ये कोकोनट ऑयल हमारे सर के बालों और हमारे जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन फैक्ट्रीज में ये ऑयल कैसे तैयार किया जाता है आप जरूर जानिए। दोस्तों सबसे पहले सारे कोकोनट्स को इस मशीन में डालकर कोकोनट के ऊपर वाले भूसे को उतार लिया जाता है। फिर इन कोकोनट्स को 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इन कोकोनट्स को इस मशीन में डालकर इन्हें क्रश करके इनका ऑयल निकाल लिया जाता है। फिर इस ऑयल को कोकोनट ऑयल की शीशियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा।